हेलो, हम चिटफंड से बोल रहे हैं। आपके मोबाइल नंबर पर 50 लाख का इनाम आया है। अगर आप इस रकम को अपना बनाना चाहते हैं तो अपना ATM नंबर, CVV नंबर और अपने नंबर पर जाने वाला OTP हमें बताएं। नहीं, मुझे कोई इनाम राशि नहीं चाहिए और आप दोबारा कॉल करके हमें परेशान ना करें। तो देखा आपने, अगर ऐसे ही कॉल आपको आती है तो आपको भी यही जवाब देना है कि आपको कोई भी इनाम राशि नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल होता है, स्कैम होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे देंगे। इससे आपका अकाउंट एक सेकंड में खाली हो सकता है। आप लुट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, अपनी जीवन भर की कमाई आप एक झटके में गंवा सकते हैं। तो आइए आपको इसी से जुड़े कई स्कैम के बारे में बताते हैं, इसके बारे में कई अहम जानकारी देते हैं और इससे जुड़े सारे कानून और इससे जुड़ी सारी बातें आपको बताते हैं। साइबर ठग कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको किसी तरह के शक की गुंजाइश ही ना रहे। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर भी साइबर फ्रॉड के केस दिल्ली NCR समेत पूरे देश में बढ़ने लगे हैं। ऐसे ही एक विक्टिम से हमने बात की, उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मैंने होली के तोहफे के लिए अपनी माँ के लिए एक साड़ी ऑर्डर की, जिसके बाद वेबसाइट ने मुझे एक लिंक भेजा और कहा कि इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। मैंने पेमेंट कर दी। बाद में वेबसाइट की ओर से कहा गया कि आपका पेमेंट नहीं आया है, आपको एक और लिंक भेजा जा रहा है, उस पर पेमेंट कीजिए और अगर आपकी पहली पेमेंट पर आपका पैसा कटा है तो वो वापस आ जाएगा। जिसके बाद मैंने लिंक पे क्लिक किया और वो लिंक बस गोल गोल घूमता रहा। अचानक से मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि बैंक के द्वारा आपके अकाउंट से 56,000 रुपये डेबिट हुए हैं, यानी काट लिए गए हैं। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस वेबसाइट से दोबारा कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उस पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेन की, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको इस बारे में साइबर थाने में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये बात मैंने घर पे बताई तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, जो गया सो गया, आगे से ध्यान रखना। जिसके बाद मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैंने भी कोई कंप्लेन नहीं की और मेरे 56,000 रुपये एक लिंक की वजह से कट गए, जिसका अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि फेक कॉल, फेक वेबसाइट और फेक लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। ऐसा करना आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तो देखा आपने किस तरह से इस व्यक्ति ने बस एक सिंगल क्लिक से अपने 56,000 रुपये गंवा दिए। लेकिन इस व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप ऐसा कभी भी नहीं सोचिए कि पुलिस कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। आप ज़रूर शिकायत करें और पुलिस आपकी मदद ज़रूर करेगी। कंप्लेन करके आप खुद की रकम तो वापस ले ही लेंगे, साथ ही भविष्य में आप कई सारे लोगों को इससे बचा सकते हैं। तो इसी के साथ हमने एक और व्यक्ति से बात की, जिसने एक अजीब किस्सा शेयर किया। देखिए आप, मैं रात में अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, अचानक से एक पॉपअप एड स्क्रीन पर आया। मैंने उस पर क्लिक किया, जिसके बाद अचानक से स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चलने लगा। मैं डर गया कि अचानक से क्या हो गया। मैं उसे हटाने की कोशिश करने लगा लेकिन मेरी स्क्रीन लॉक हो गई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लगभग 1 मिनट तो वो वीडियो स्क्रीन पर ही चलता रहा, तभी अचानक से वो स्क्रीन बंद हुई और एक नया पेज खुला जिसपे लिखा था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और वो वेबसाइट भी ऐसी लग रही थी मानो सच में सरकार की तरफ से कोई वेबसाइट हो। जिसके बाद उस वेबसाइट पर लिख के आया कि आपने पॉर्न वीडियो चलाया है अपने PC में, आपके ऊपर 31,000 का फाइन लगा है, आप इस फाइन को भरें वरना 1 घंटे के अंदर पुलिस आपको घर से उठा ले जाएगी। मैं डर गया और बदनामी के डर से मैंने 31,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और वो लिंक बंद हो गया। मुझे लगा सच में पुलिस ने कार्यवाही की है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा जानकार नहीं था। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि ये जो हो रहा है वो सब एक फ्रॉड है। ऐसा कोई भी कानून या फाइन के लिए पुलिस ने कुछ नहीं बनाया है। मैं एक स्कैम का शिकार हो गया हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिसके बाद मैंने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया और उनको सतर्क किया कि सावधान रहना इन चीज़ों से, वरना मेरी तरह आप भी ठगे जा सकते हैं। तो देखा आपने कि किस लेवल पे स्कैम होते हैं। लोगों को भनक तक नहीं होती कि ये सब फेक है, बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही चालाकी से स्कैम को अंजाम देते हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो पहले आप इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर लें या किसी जानकार से बात कर लें, वरना आप भी ऐसे स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम आपको भारत में पॉर्न से जुड़े कानूनों के बारे में भी बताएंगे। अब हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताते हैं जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं और उन्होंने लाखों पैसे बर्बाद कर दिए।
मैं रात को इंस्टाग्राम चला रहा था, मेरे इनबॉक्स में तभी एक लड़की का मैसेज आया। वो मुझसे बातें करने लगी, मैंने भी बातें करना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा अजीब होने लगा और मुझे भी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे वीडियो कॉल किया। वो लड़की बिना कपड़ों के मेरे सामने थी, चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने मुझे कहा कि मुझसे बात करना है तो मुझे 2000 रुपये भेजो। मैंने बिना सोचे रुपए भेज दिए, जिसके बाद फिर से वीडियो कॉल आया और उसने मुझसे थोड़ी देर बातें करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगी, मैंने भी कपड़े उतार दिए। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उस लड़की ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर से और बोलने लगी कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे इंस्टाग्राम के फॉलोइंग लिस्ट में भेज दूंगी। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डर के मारे उस लड़की के अकाउंट में पैसे भेज दिए। बाद में उसने और रकम मांगी। ऐसा करते करते मैंने उसे 3 लाख से ज़्यादा की रकम भेज दी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, फ़ोन नंबर बदल दिया और मन में ठान ली कि चाहे जो हो जाए अब मैं इसको पैसे नहीं दे सकता। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने उससे दूरी बना ली। वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है उस बारे में कि काश मैंने हिम्मत दिखाई होती और पुलिस कंप्लेंट की होती तो आज मेरी मेहनत की कमाई के 3 लाख मैंने ना गंवाए होते। 3 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग में गंवा दिए। अगर पुलिस कंप्लेंट की होती तो आज इनके 3 लाख रुपए भी नहीं गए होते और वो जालसाज लड़की जेल की सलाखों के पीछे होती और आगे भी उसके जाल में कोई ना फंसता। हम आगे आपको ब्लैकमेलिंग से जुड़े कानून भी बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप क्या कर सकते हैं। अब हम इसी कड़ी में आपको एक और स्कैम के बारे में बताएंगे जहां पर एक महिला की कोई कॉल आती है और उसके साथ क्या हो जाता है। देखिए, मैं अपने घर में थी, घर का काम खत्म कर फोन चला रही थी, तभी एक कॉल आता है। उधर से आवाज आती है कि 3 सवालों के सही जवाब देने पर आपको 1 करोड़ की इनाम राशि मिलेगी, गेम खेलने के लिए 1 दबाएं। मैंने दबा दिया, जिसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। उससे मुझसे सवाल पूछे गए, मैंने सारे जवाब दे दिए। बाद में उन्होंने कहा कि मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं 1 करोड़ रुपए। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे लिए एकदम नया था। मुझे लगा मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक स्कैम का शिकार होने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में मेरे पास एक और कॉल आती है। वो लड़की मुझे बधाई देती है और कहती है कि आप जीत चुकी हैं 1 करोड़ रुपए की राशि। इस राशि को अपने नाम करने के लिए अपना बैंक डिटेल देना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे बैंक डिटेल दे दिया। उन्होंने कहा आप थोड़ी ही देर कॉल पर रहिए, हम आपका पैसा भेज रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे प्रोसेस करने के लिए पहले आप हमें 30,000 रुपये भेजिए, उसके बाद हम आपको पैसे भेज सकते हैं। मैंने हड़बड़ी में पैसे भेज दिए। मैंने वो सब किया जैसा जैसा वो औरत कह रही थी। पैसे भेजने के बाद उन्होंने मुझे कहा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। मैंने इंतज़ार किया लेकिन कोई पैसा नहीं आया। मैंने उसे कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लगी। मैंने मेरे भाई को कॉल किया और ये सब बताया, जिसके बाद उसने कहा कि ये फ्रॉड है और आपके साथ स्कैम हो चुका है। उस दिन मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान थी, मेरे सारे पैसे मेरी एक गलती की वजह से चले गए। तो देखा आपने किस तरह से इस महिला की सारी कमाई एक झटके में उड़ा ले गए स्कैमर। आप भी सावधान रहिए ऐसे स्कैमर से, क्योंकि ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे स्कैम लोगों को बर्बाद कर देते हैं। चलिए अब आपको ब्लैकमेलिंग से जुड़े कानून, पॉन से जुड़े कानून, स्कैम से जुड़े कानून और साइबर लॉ से जुड़े अन्य कानूनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पॉन से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे, क्या भारत में पॉन लीगल है या नहीं। IPC धारा 67 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स अश्लील मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करता है या प्रकाशित करता है तो वो अपराध है। ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे मटेरियल को प्रसारित करने का कारण बनता है या इसके लिए प्रेरित करता है तो ये भी अपराध है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 भारतीय नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी कमरे में पॉर्न देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंद किया जा सकता है। तो प्राइवेट कमरे में पॉर्न देखना लीगल है, लेकिन वो पॉर्न एडल्ट होना चाहिए, ना कि किसी नाबालिग की या जोर जबरदस्ती की, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। ब्लैकमेलिंग के लिए कई कानून हैं। आपको बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर उसे जबरन वसूली करना या ऐसी कोशिश करना एक्सटॉर्शन कहलाएगा।
धारा 384 और धारा 385 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। धारा 384 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी से एक्सट्रॉशन करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। पीड़ित के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 108(1)(IA) के तहत अधिकार है कि वो अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से संपर्क करे और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति के बारे में बताए जिस पर उसे शक है कि वो किसी भी अश्लील सामग्री को पब्लिक कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने और पीड़ित के वीडियो का प्रसारित करने से बैन लगाने के बॉन्ड पर साइन करने का अधिकार होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 का यूज ब्लैकमेलिंग के पीड़ित द्वारा किया जा सकता है, जहां अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पीड़ित की अश्लील तस्वीरें का खुलासा करने की धमकी देता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66(E) के तहत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी वीडियो कैप्चर करके या किसी व्यक्ति की तस्वीरें प्रकाशित करके उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करने के लिए केस फाइल किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसका वीडियो प्रसारित किया गया तो ब्लैकमेलर के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के तहत केस फाइल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट 2000 का सेक्शन 67(a) ब्लैकमेलर के खिलाफ एक ऐसा कानूनी हथियार है जहां वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिए छिपे हुए कैमरों का यूज करना दंडनीय अपराध है। अगर आपका कोई वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्लैकमेलर की धमकियों से ना डरे, बिना डरे केस को अपने हाथ में ले। आपको धमकी देने के लिए ब्लैकमेलर की धमकियों से ना डरे, बिना डरे केस को अपने हाथ में ले। आपको धमकी देने के लिए ब्लैकमेलर द्वारा कई मांगों को बिल्कुल भी पूरा ना करें। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और ब्लैकमेलर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पुलिस को सूचित करें। जी हाँ, जबरदस्ती वसूली और ब्लैकमेलिंग एक दूसरे से जुड़े अपराध है। अगर ब्लैकमेलर आपको वीडियो या किसी संवेदनशील पर्सनल वीडियो को पब्लिकली प्रसारित करने की धमकी देता है तो पहले पुलिस को सूचित करें। अगर ब्लैकमेलर आपका पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर फैलाने के लिए ब्लैकमेल करता है तो आप इसकी भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम के लिए कौन कौन से लॉज हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के पारित किया गया है, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। इसके तहत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी साइबर थाने में अपने साथ हुए घोटाले, स्कैम, फ्रॉड या साइबर क्राइम से जुड़ी अन्य शिकायत आप इसके तहत कर सकते हैं। पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। तो देखा आपने कि भारत में कैसे कैसे स्कैम होते हैं। ये तो कुछ स्कैम है जो हमने आपको दिखाए हैं, ऐसे ना जाने कितने स्कैम हैं। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो इसी कड़ी में हम आपको और जानकारी देने और जागरूक करने जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।